ए माँ, ए माँ नीचे देख लो। मेरा दूल्हा हमको देखने आएगा तो हम यही सामने खिलाएंगे कांच का स्पेशल। थोड़ा सा ठीक है भैया। शुरू से ही ऐसे हमको बहुत शौक था घर का नक्शा, और बन गया क्या घर, ये देखिए घर। मेरे पापा सिर्फ 7th पास थे लेकिन उनका हैंड राइटिंग देखिए। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग तीनों अच्छे हैं, नानी अच्छी है, और हम लोग ये रात का खाना देखिए नाश्ते में खा रहे हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खाना बच गया है, सब्जी बच गया है, ये देखो। ठीक है, और ये है कोहणा और मछली, चिंगड़ी मछली का सब्जी। रात को हम घी बना के सोए थे, ये देख कड़ा हो गया। देख ए माँ नीचे देख लो। क्या हुआ ये, क्या हुआ कैसे हुआ? ठीक है, अब ये घी को फिर से हम पिघलाएंगे और डब्बा में डालेंगे। फिलहाल हम लोग का सब्जी गर्म हो गया है और हम लोग रात को बहुत अच्छा से सोए। कौन कौन अच्छा सोए? हम तो पुरकास, एक बार भी नींद नहीं टूटा है। तुम जब उठी थी ना उस टाइम हम उठे थे, वही उठा हुआ, नहीं तो और दिन दो दो बार सुबह में उठते हैं। लेकिन हम रात में जो थके हुए थे, तेल लगाए सरसों तेल और मस्त नींद सोए, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो मज़ा आ गया सोने में। आह हाँ, बहुत मज़ा। बीच में सबकी बात तो मेरे तरह तो मोटा गद्दा, इसका तरह तो पतला, और हम ही पूरा उधर बड़का गद्दा में तो हम अकेले सोए हैं। बोकी तो गए लोग एकदम बोकी पतला वाला में सोई है। और पतला वाला कौन वाला था बताए? महिमा सोई थी ना, महिमा थोड़ा सा सोई थी ना, वो गद्दा थोड़ा सा पतला हो गया है, तो वो वाला गद्दा में ये दोनों सोई थी। और ली भी तो वही गद्दा को, और अभी देखिए ये बेड वाला गद्दा जो है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। गिर जाओ और इधर इधर अच्छा लग रहा है लेकिन बोर्ड का भी कलर हो गया है तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम साफ करेंगे, साफ भी होगा कि नहीं पता नहीं। और इधर ये सब तो पूरा निदिर खा गया है मेरा, तो इसीलिए हम इस सब को हो गया ऑफ कर दो। ही देख रहे हैं ये सब चेंज होगा, इसलिए हम इसको पेंटिंग नहीं करेंगे, पोछ पाछ के कोशिश करेंगे साफ करने का। और ये मेरा रूम, हाँ ये मेरा रूम। वो थोड़ा थोड़ा चावल है इसको छीट देना उधर ही में, मुर्गी लोग को दे देना। हाँ ये है मेरा रूम जो कि कबाड़ा बन गया है, इसके अंदर बहुत सारा लग्जेरियस मेरा सामान सब है, तो अभी यही रूम होएगा। नानी का रूम नहीं खाली, अभी खाली करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंटीरियर जो है इस रूम का थोड़ा चेंज करें हम। सोफ़ा पहले जैसा रखा हुआ था, हम सोच रहे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा वो सब देखने में। ये रूम भी नहीं हुआ है, ये रूम भी होगा, सिर्फ यहाँ वो प्राइमर लगा हुआ है। नानी ये झाड़ू खोज रही है, झाड़ू यहाँ पे है, लो झाड़ू। और इधर नानी का रूम जो कि अभी भी सामान है, ये सबको खाली करना है। अभी हम लोग तीनों से साफ करेंगे इसको भी। और ये रूम भी फिनिशिंग हो गया, ये समय थोड़ा छेद छेद था तो हम लोग पुट्टी से भर दिए इसको, उसके ऊपर से वो लोग पचौड़ा कर दिया। तो तुम काम कर देगी क्या मेरा? तुम काम कर देगी, जल्दी दो। इधर ना नमक पकड़े, कैसे काटेंगे हम, कैसे काटेंगे? भाभी को तो, भाभी को तो, भाभी दो तेरा मूली देने तक हम लोग ना खाना खा लेंगे। धन्यवाद। देखिए गाइस, हम लोग अभी सामान निकाल रहे हैं। देखिए मेरे घर का कांच का सामान बहुत है, मेरा दूल्हा हमको देखने आएगा तो हम यही सामने खिलाएंगे कांच का स्पेशल। वो कासा वाला में नहीं खिलाएंगे, कांच वाला में खिलाएंगे, आजकल इसका जमाना है। एक तो वो कासा वाला को ना धोने में थोड़ा दिक्कत होता है, हम लोग जैसे गाँव घर में तो उसी में लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ कोढ़िया लोग है ना, हम लोग शॉर्टकट में कैसे निपटे हैं वो सोचते हैं। अब जो कैमरे के पीछे है ना वो काम बढ़िया से ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग बोलते रहते हैं दिन भर दे मुझे भाई है। उसको खाली ब्लॉगिंग करना है, कुछ नहीं करना है। एक तो सामान निकाले के फिर आराम कर लेगी, उसके फिर बोलेगी ब्लॉगिंग करेंगे। अपने आप को भी दिखा दो ना सभी उसको। हम लोग तो पूरा ठूस ठूस के दबा के खा लिए हैं, और नानी के लिए भूल गए नाश्ता बनाने के लिए, और भाभी चिढ़ा रही है, ये नानी को पूछ रही है
ये खाना नाश्ता तुमको दी कि नहीं दी? नानी बोल रही है रुको तो कब देगी, आपने लोग तो खा ली है और हमको तो देगी भी नहीं है। तो हम सुने यार फटाफट हम चाय बनाने आए हैं, चाय बनाएंगे और नानी को सबसे पहले हम लोग देंगे नाश्ता। तो ये सामान आया है स्टूडेंट लोग का, मेरा नहीं है, मेरा भी है लेकिन आधा से ज़्यादा उनका सामान है। तो हम लोग इसको कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। नानी देखेगी ना मार डालेंगे, कल से हम लोग यही इसी को यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल मोबाइल अच्छा दिख रहा है। हम ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं ये हम खरीदे हैं, खरीदे मेरे लिए खरीदे हैं, ओनली 1700 में। कैसा होगा अब हम, मेरे पास पूरा ब्रश आ गया, तुम देख के खुश हो जाएगी देखना। हम ये मंगाएंगे, पता है इसका कितना दाम है? कितना? 4000। अरे हम पता है 1700 में खरीदे हैं, नसीब था। आप कहीं जाएंगे तो लगेगा पूरा प्रोफेशनल एकदम, नहीं है ना? देखो देख लो, देखो तुम भी छू के देखो ना, हम भी कैमरा पला पलट देंगे। स्विस ब्यूटी, ए तू गलत जगह से ले रही थी। कहाँ गलत? तुम बीच वाला से ले रही थी। अच्छा तो भाग, अभी हम अच्छा कर रहे हैं, देखो तुम नहीं जानते कैमरा पकड़ने, भाग मेरा अच्छा नहीं लाई तुम, कैसा करती है, भाग लो। ऐसे ही असिस्टेंट बनेगी, दे कैमरा पकड़ने का ढंग नहीं है, बड़ा असिस्टेंट बन रही। वैसे नहीं रे बारे माए, ऐसे 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 इधर भी समझ। तो यहाँ सरोन बादाम बेच रही है ना सरोन? नानी पूरा भूंज भांज के रेडी कर दी है और इधर से बादाम बेचने के लिए ले जाइए अभी। बेचारी को थोड़ा सा हुआ ना सरोन, तभी से खूब लालचा रही थी, ढेर कोई हो गए ना, नानी थोड़ा सा भूंजिए ना। थैंक यू, कत 5 टका, 10 रुपए तो पाई ना, सोफा में समोसा खा लेना उससे बाद में देंगे पैसा। 10 रुपए है इसके यहाँ, सफाई टाइम पाई है। ओ दे, देख रही ना नानी दया कर रही है, बोरी सेरन को थोड़ा दे देंगे, मेरे तरफ से बोल रही है नानी, और हम लोग नहीं देंगे। महाराज खा लो बादाम, 5 रुपया दे, पैसा दो, ठेचो दे रहे तुम्हें, 5 रुपया देना है उसमें, क्या का 5 रुपया हो जाएगा, भेज रहे हैं जाओ ना। बादाम थोड़ा सा तो जाना, नानी देरी का रो रही है, रो रही बोरी थोड़ा सा बोल रही है। ओ दे नानी दे रही है, देख रही है ना, तो नानी लोग होना चाहिए समझी। ओ दे देखा मिल गया तुमको एक्स्ट्रा। ये देखिए दीदी बर्तन धो रही है, बहुत बढ़िया है, देखो बर्तन देखो। हम लोग घर में जितने सदस्य नहीं है ना उससे ज्यादा बर्तन है मेरे घर में, क्योंकि हम जितना बार दिल्ली गए हैं हम उतना बार बर्तन खरीदे, क्योंकि वहाँ पे हम हमेशा रूम लेते थे, 2-3 बार रूम लिए हैं, तो यहाँ से तो ढोके लेते नहीं थे, तो अपने लिए ऐसे करके रखे, ढेर डेक्ची ढेर कढ़ाई ऐसे जमा हो गया, अब उसे को रखने का जगह नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं शादी उदी करेंगे ना तो यही सब को लेके जाएंगे, आधा से ज़्यादा सच में हम ले जाएंगे ये सब, इतना ज़्यादा हो गया तो इसको खोलो तो आधा उसमें 5-6 है, आदमी 2 जन। तो अभी हम लोग थका इसको धोएंगे और लगभग अंदर पूरा होने वाला है, तो अंदर फिर सफाई करेंगे।
शेरोन को तो उधर ईटा ढुलवा रहे हैं, ईटा ढो ढो के उसको बोले हैं कि उसमें पेपर लगाने के लिए। बेड के नीचे हम लोग ना चार दो दो या तीन ईटा लगा के रखते हैं, बेड ऐसे डाल नीचे नहीं रखते क्योंकि झाड़ू उड़ू करने नहीं बनता है इसलिए। खुल दी तो फिर नहीं खुला। देखिए गाइस पार्सल वाले अंकल आए हैं ये गाड़ी में, हम लोग का सामान ऑनलाइन सामान ला दिए हैं। ये पार्सल इसी गाड़ी से आया है, देख सकते हैं। ये देखिए ऑनलाइन सामान आया है, ये अंकल ला दिए, हेलो कर दीजिए। ठीक है भैया। सेल 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 बोलो। सेल सेल सेल। तो यहाँ इतना सारा पार्सल आया, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऐसा था कि स्टूडेंट्स के लिए भी सामान है, इस पर मेरा भी सामान है, क्योंकि ऐसा है ना कि हम स्टूडेंट को बुला लेते हैं फिर बाद में हम लोग सामान मंगाते हैं, तो हम सोचे कि पहले से ही सामान मंगा लेते हैं कुछ बहुत, ताकि हमको बार बार मतलब उस समय मंगाना नहीं पड़ेगा। सो हम देखिए तो ये सब हम मंगा लिए हैं पहले से, और भी आएगा सामान क्योंकि कोई कोई बैच में ज्यादा स्टूडेंट भी होते हैं, तो ये सब ब्रश हमको उनको पहले में दे देंगे। देखते हैं आप लोग इतना सारा ब्रश। तो ऐसे हम लोग जब घर समेटते हैं ना, तो ऐसे कुछ कुछ याद सब यादें मिल जाती हैं। देखो पहले कैसे हम लोग ऐसे शुरू से ही ऐसे हमको बहुत शौक़ था। देखो इधर घर बनाते थे, देखो घर का नक्शा बनाते थे, कमाने धमाने का तो ठेकान नहीं, लेकिन देखिए घर बनाते थे, घर का नक्शा, और बन गया क्या घर, ये देखिए घर। जितना का है नहीं उतना का सोचते थे, 12 में थे ना उस समय का, आज से 10-13 साल पहले का। और कुछ कुछ मिला था कहाँ रे, क्या मिला था, ड्राइंग ना, फोटो मिला है, फोटो भी मिला है। तो यहाँ पे हम मेरे मौसा जी का फोटो और मेरी मौसी जी का फोटो मिला है हमको। मेरी मौसी दिखाइयो नहीं दे रही है, दिए पीछे मैं, मेरी मौसा जी दोनों का इंगेजमेंट हुआ था लेकिन अब नहीं रहे दोनों, मौसी का शादी कहीं और हुआ था। लेकिन तो यहाँ पे मेरे पापा का किताब हमको मिला है, और यहाँ पे उनका एप्लीकेशन कहाँ गया ये देखो। मेरे पापा सिर्फ 7th पास थे, लेकिन उनका हैंड राइटिंग देखिए क्या मस्त का लिखे है, मस्त वाला, कुछ छुट्टी वाला लीव वाला लेटर है। और इधर देखो इधर हिंदी, हिंदी देखिए, इतना अच्छा तो मेरा भी हैंड राइटिंग नहीं, इतना गंदा हैंड राइटिंग है मेरा। अब मेरे पापा का मस्त, एक नंबर नोट्स देखिए, इतना सुंदर ना। जोर लगाओ सरोन, जोर से ताकत लगाओ जून एकदम, एक्टिंग करो थोड़ा, एक्टिंग भी नहीं करती है। हाँ ऐसे ही, हाँ बस बस हो गया, पतली हो जाएगी तुम। ये सबको पोछ रही थी ना तो बोलती दीदी नहीं छूट रहा, और हम लोग देखे हम लोग किए ना तो छूट गया, सरोन कर रही थी तो नहीं छूट रहा था ना सरोन, बेड में लगा कहाँ था जो बक लग बो नहीं किया था, तो बेड में थोड़ा थोड़ा लगा था, लेकिन पोछ रही है लोग। ये मेरा भाई का बेड है, देख रहा है तो कुछ, हाँ दिख रहा है तो कुछ नहीं, आपका भाई देख रहा है, हाँ तो मेरा भाई देखता भी नहीं है मेरा ब्लॉग, तुम क्या सोच रही है। उसको इस समय इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भाई मेरे ब्लॉग में आना भी नहीं चाहता ना ही देखना चाहता। हाँ मिठाई बोला, कपड़ा बोला, क्रिसमस कपड़ा, भैया आपका बेड पोछ दिया था बोलना।
आज हम लोग पूरा रात भर हम लोग काम करने वाले हैं दोनों, और आज हम लोग पार्टी मनाएंगे। और ये इधर महारानी एक तो घर जा रही है कि नहीं? आज जो पार्टी नहीं लेगा वो दूसरे दिन में पार्टी नहीं लेगा। 8 तारीख को तो हम बुकिंग ले जा रहे हैं तुमको पार्टी देने थोड़ी। हाँ तो खाने मिलेगा चुपचाप से पेट भर के, एकदम टिफिन उफिन 4-5 लेके जाने का, खस्सी में डाल लेने का और लेके आने का, और उसमें मेरा नाम नहीं आने का कि वो बोली थी। ठीक है, मेरी माँ का नाम है। हाँ ठीक ठीक, चलो बाय बाय बाय, कल जल्दी आ जाना। ठीक है, पहुँच के फोन कर देना, जल्दी आना। जाओ। सो गाइज, हम लोग काम खत्म करके बहुत ज्यादा थके हुए थे, और मेरा फोन भी आ गया पार्सल वाले का। हेलो। और काम जो है हम लोग का खत्म हो गया था रात को, और हम लोग बहुत थके हुए थे तो हम वीडियो खत्म नहीं कर पाए, और बाल भी एकदम झेपड़ी सा लग रहा होगा शायद, और इतना थके हुए थे कमर दर्द से तो मेरा, समझ रहे हो क्या हुआ था, सिर दर्द में क्या हो हाल रहता, पूरा तेल, सरसों तेल सब तपा लिए थे, पूरा हाथ में, पैर में, चेहरा में सब, और करिया हो जा रहे हैं, करिया तो है ही, एग्जैक्टली हैं हम, ये फिर भी हो रहे हैं। और फिर भी अभी जब तक पचौड़ा होगा अपने आप को ध्यान नहीं देना है, काम करना है, क्योंकि कोई है नहीं बड़ा छोटा, ना बुजुर्ग कोई नहीं, तो खुद करना है ना। और अभी थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो रहा है मेरा, मतलब हो गया था रात को, अभी तो मॉर्निंग हो गया है, लेकिन अभी ठीक है, और कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सब चीज़ हो रहा है अभी। और हम लोग नए रूम में ही सो रहे हैं, आज जो है वो दोनों नहीं रहेगी, क्लास है उन लोग का, हमको अकेले करना होगा। सो हो गया है सुबह, सो अभी फिर वो लोग भी हैं काम करने वाले, सो फटाफट उठते हैं हम अभी के लिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट है, गुड नाइट। अच्छा जो भी है, अभी मॉर्निंग यहीं पे हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम लोग फिर से नए वीडियो से मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।